ओम शांति। आप सबका स्वागत है आपके 3 अगस्त के ईश्वरवरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि कैसे हम हर एक सिचुएशन में, हर एक व्यक्ति के साथ में, हम कैसे अपने मन बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र करके उस सिचुएशन को हम कंट्रोल में ला सकते हैं और उसके सोल्यूशंस फटाफट बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं, पा सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम इस वरदान में एक्सप्लोर करेंगे। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं टाइटल में, शीर्षक में, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त भाव, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं कोई रिलेटिव नहीं हूँ, मैं किसी का संबंधी या साथी नहीं हूँ। मैं इस समय सिर्फ सिचुएशन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, उसके सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मुझे किसी व्यक्ति के साथ में कोई कंप्लेन नहीं है, मुझे किसी व्यक्ति से कोई घृणा नहीं है, कोई नफरत नहीं है। तो जब हम ऐसे डिटैच होकर कोई कर्म करते हैं तो हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड, हम परिस्थिति को हम कंट्रोल में ला पाते हैं। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी संबंधी को देखते हैं, और अगर उसके ऊपर हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं, उसको हम गिराना शुरू करते हैं, तुमने ऐसे नहीं किया होता, तुमने ऐसी सोच क्यों रखी, तुमने तुमने तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था, तुम्हारी इतनी समझ नहीं थी तुम्हें, अगर हम ऐसे सोच करके, ऐसे बोल व्यक्ति के प्रति हम ऐसे बोल जब इस्तेमाल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उस वाइब्रेशन को कम कर रहे हैं, अपनी प्योरिटी को भी कम कर रहे हैं। हमारे अंदर निर्णय करने की क्षमता जो होती है वो भी घटती जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। निमित्त वाले एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट कभी बुद्धि नहीं चलाता, गिटार अपनी खुद की बुद्धि से नहीं बजता है, गिटार को बजाया जाता है। तो परमात्मा हमें यूज़ कर सकते हैं उस सिचुएशन को क्लियर करने के लिए, उस सिचुएशन को पार करने के लिए, अगर हम अपनी खुद की बुद्धि ना चलाएं। बल्कि अपनी जब हम बुद्धि चलाते हैं, कलयुग की बुद्धि चलाते हैं, तो हम या तो घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, तो हमारी खुद की बुद्धि, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट खुद से बज रहा है। अगर इंस्ट्रूमेंट खुद से बजना शुरू हो जाए क्या होगा, आप सोचो ज़रा, गिरते हुए बजेगा, राइट? तो गिटार गिरा, क्रिंग डुंग डुंग आवाज़ आई और गिरता हुआ बजा। लेकिन परमात्मा को अगर हम बोलते हैं परमात्मा आप मुझे इस्तेमाल करो इस सिचुएशन को पार करने के लिए, तो कैसे बचेगा, आप सोचिए जरा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है, तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। अगर निमित्त भाव है, मैं ना पिता हूँ, ना माता हूँ, ना भाई हूँ, ना बहन हूँ, ना मैं साथी हूँ, ना संबंधी हूँ, इस समय सिचुएशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, और मुझे भाव में, अभाव में आकर के, ना कंप्लेन ना ब्लेम करते हुए मुझे अपनी स्थिति को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है, तब जा करके उसको कहते हैं निमित्त भाव। परमात्मा तभी हमारे द्वारा कर्म करवा सकता है अगर हम पर्सनलाइज ना रहें। सिंपल बात है, डिटैचमेंट मतलब निमित्त भाव मतलब पर्सनलाइज ना रहें। गिटार भी पर्सनलाइज नहीं हो जाता है, मतलब कि गिटार अपने आप से, नहीं तुम अच्छा नहीं बजाते, मैं खुद ही बजूंगा, ऐसे नहीं करता है। गिटार की बुद्धि अपनी खुद की नहीं होती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की बुद्धि अपनी नहीं होती, ये फ़ोन की बुद्धि अपनी नहीं है, इसको मैं अगर जब तू बटन दबाऊंगा उसके हिसाब से ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो हमें भी परमात्मा को दे देना चाहिए कि परमात्मा हमारे बटन, सही बटन दबा पाए कि बच्चे इस समय ये काम करो, बच्चे इस समय ये सोचो, बच्चे इस समय उसके पास जाओ, बच्चे उसके समय इससे सहयोग लो। अगर हमने खुद की बुद्धि चलाई, उसके अंदर हमने आलस्य, अलबेलापन, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करी, तो हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। डिटैचमेंट का इतना सिंपल मतलब है। फिर परमा कहते हैं उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। अब ये स्टेज आगे कौन सी स्टेज, मतलब कि वर्ल्ड स्टेज, वो आत्माएं सबसे आगे लीडरशिप क्वालिटी के साथ होती हैं। अगर किसी के अंदर अहंकार है, घृणा है, नफरत है, तो वो व्यक्तियों को गिराने में ही बिजी रह जाता है, उसका समय नहीं होता कि वो लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू आगे आ पाए और किसी का कुछ भला कर पाए, वो कंप्लेन, ब्लेम और कोसने में ही फंसा रह जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हम आत्माओं के अंदर वो शक्ति है कि हम आत्माएं लीडर बन पाएं। तो लीडर बनने के लिए क्या करना है, परमात्मा कहते हैं निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ये स्मृति स्वरूप में रहता कि विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल है। कि अगर हम वैसे ही नॉर्मल तरीके से हम कर्म करें, घर घर में आज लोग कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं, कोई सिचुएशन आती है चिल्लाते हैं उसके ऊपर, ऐसे क्यों करा तुमने, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है, अकल कहाँ गई थी तुम्हारी। परमात्मा कहते हैं कि हम स्टेज पर हैं और हम परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि हम इन सिचुएशन से भी हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें नुकसान क्या है, सेहत का नुकसान, मन की खुशी का नुकसान, और साथ ही साथ संबंधों का खराब होने का नुकसान, बददुआएं देने का नुकसान औरों को। तो बददुआएं देके कोई इंसान आगे बढ़ नहीं सकता है, और वो गिरा करके कोई इंसान आगे बढ़ नहीं सकता है, कोई भी सिचुएशन को कोई भी सॉल्व कर नहीं सकता है। वो अपनी ऊर्जा भी खत्म कर रहा है, अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति भी खत्म कर रहा है, अपनी पवित्रता भी खत्म कर रहा है, परमात्मा के साथ में लिंग भी तोड़ रहा है, औरों के संबंधियों के साथ में संबंध भी खराब कर रहा है,
चाहे वो साथी हो चाहे संबंधी हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम स्टेज पर हो तो तुम्हें ये तुम्हें ध्यान देना है कि तुम मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो रिप्रेजेंट करके परमात्मा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हीरो की विलन की जैसे। तो विलन कौन हो गया? जो अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आलस, अलबेलापन और ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अपने आप को सिद्ध कर देगा, राइट, लेकिन औरों को वो आगे बढ़ने नहीं देगा, औरों की बुद्धि को वो कर देगा टेम्परेरी डाउन। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरे गुणों के द्वारा, मेरी शक्ति को द्वारा तुम इस कार्य को, जो सिचुएशन आई है, जो भी प्रॉब्लम आई है, उसको तुम सॉल्व करो डिटैच होकर के। मेरे साथी, मेरे संबंधी के साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे घर वालों के साथ में ऐसा हो गया, ये ना समझ करके आत्मा समझो। इसलिए आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम ब्रह्म कुमारीज में करते हैं। आप भी कर सकते हैं ब्रह्म कुमारीज में ये प्रैक्टिस, और इसी के द्वारा आप सफलता पा सकते हैं और मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं, ताकि आप एकाग्रता की शक्ति के द्वारा आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएँ। ये करना कैसे? सेम डे सपोज करिए, खुद ही जान जाइए।